हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच बात हो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप डीएमएलटी से हो, बीएमएलटी से हो या फिर एमएससी एमएलटी से हो, आप जिस भी कोर्स को कर रहे होंगे, उम्मीद है मेरी वीडियोस आपको हेल्प पहुंचा रही होंगी। इससे पहले मैंने बात की थी क्लोटिंग टाइम पे, मेथड अलग था, कैपिलरी मेथड में मैंने बताया था और इसके पहले मैंने ब्लीडिंग टाइम को भी बताया था। आप दोनों देख सकते हैं वीडियोस। हम आगे बढ़ रहे हैं इस सीरीज़ में और डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोटिंग टाइम बाय ली एंड वाइट मेथड हम लोग जानेंगे। ली वाइट मेथड भी बहुत जगह लिखा रहता है, बहुत जगह ली एंड वाइट मेथड भी लिखा रहता है, तो हम ऐसे ही आज पढ़ने वाले हैं। ली एंड वाइट मेथड इज मोर रिलेबल देन कैपिलरी मेथड, ये उससे ज़्यादा रिलेबल होता है, सही इसकी मानी जाती है। हम लोग क्यों कैपिलरी मेथड करते हैं? हैंस कैपिलरी मेथड शुड बी यूज्ड व्हेन वेनस ब्लड कैन नॉट बी ऑप्टेड। जब हमें वेनस ब्लड नहीं मिल पाता है, कभी कई बार बर्न के केस में हम कलेक्शन नहीं कर पाते हैं, या फिर कई बार आपको बहुत मोटे लोग जिसे थायराइड रहता है तो हम अनस नहीं मिल पाता है, तो जिसके कारण हम लोग फिंगर प्रिक के से ही कर लेते हैं। और जब आपको कैपिलरी ब्लड को छोड़कर आपको वेनस ब्लड मिल जाए तो हम लोग ली एंड वाइट मेथड को परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों मेथड रिलायबल हैं ही, दोनों मेथड सही हैं, लेकिन एक हर लैब में लैब सुविधा के अनुसार ये सारी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। और कैपिलरी मेथड के साथ ऑटोमेटिक हम लोग ब्लीडिंग टाइम टेस्ट करते हैं, साथ में बीटीसीटी लिखा जाता है। कभी ये आपको नहीं कि ब्लीडिंग टाइम अलग से और क्लोटिंग टाइम अलग से, एक एक सिंगल टेस्ट नहीं मिलेगा देखने को, सभी जगह बीटी और सीटी दोनों साथ में आपको देखने को मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। अब प्रिंसिपल जैसे कोई सिद्धांत ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद रखने लायक है, सिंपल है। वेनस ब्लड को हम कलेक्ट करते हैं क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में विदाउट एंटीकोगुलेंट। क्यों एंटीकोगुलेंट नहीं यूज करेंगे? क्योंकि एंटीकोगुलेंट जैसे ही हम डालेंगे तो वो क्लॉट होने नहीं देगा, और यहाँ पर हम तो क्लॉटिंग के लिए ही टेस्ट कर रहे हैं, हमें उसे क्लॉट होते हुए देखना है कि वो कितने समय तक में क्लॉट हो जाता है, यही तो टेस्ट का रिपोर्ट देना है। तो इसीलिए हम लोग किसी भी तरह का एंटीकोगुलेंट यूज़ नहीं करते हैं। द टाइम रिक्वायर फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज नोटेड, हम लोग क्या करते हैं उस टाइम को नोट कर लेते हैं, क्लोटिंग के टाइम को। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 5 to 10 मिनट, इसमें देखिए ज़्यादा होती है क्योंकि हम टेस्ट ट्यूब में उसे ट्रांसफ़र करना, फिर उसके बाद उसे, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, जनरली उसे क्लॉट होने में भी ज़्यादा समय लगता है, तो इसीलिए इसमें टाइम ज़्यादा है, 5 to 10 मिनट। कैपिलरी में कितना होता है आप नीचे कमेंट में मुझे बताइए। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं रिक्वायरमेंट की। और रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए? तो आपको क्रिस्टलाइज सिरिंज चाहिए, निडल चाहिए, कॉटन एंड स्ट्रिप चाहिए, आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए 15x125mm का। आप ये साइज़ याद रखिएगा क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा भी टेस्ट ट्यूब यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टॉप वॉच और वाटर बाथ, आप मैंने एक इंस्ट्रूमेंट वाटर बाथ के बारे में आपको पूरा वीडियो बना के बताया है, मैंने उसमें प्रैक्टिकली वाटर बाथ को दिखाया है, आप जाके प्लीज़ चैनल विजिट करें, आपको इंस्ट्रूमेंट के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिलेगा। प्रोसीजर बिल्कुल ही आसान है, प्रोसीजर में आपको कुछ नहीं करना है। आपने जनरली ब्लड कलेक्ट करना सीखा होगा, आप ब्लड कलेक्शन कर लें लगभग 2 ml के करीब। आप ब्लड जो आइडियल मेथड है, मैंने वीडियो भी बना चुका है इस मेथड पे, ब्लड कलेक्शन, हाउ टू ब्लड कलेक्ट, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। 2 टेस्ट ट्यूब ले लें, वाटर बाथ ले लें, वाटर बाथ में 37 डिग्री सेल्सियस पे पानी को गर्म कर लें। आप जैसे ही ये कर लेते हैं तुरंत इमिडिएटली आपको 1 ml दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। उसके बाद आपने जैसे ही डाला उसे आप सीधे खड़े कर रखें। 3 मिनट के बाद आपको उठाना है टेस्ट ट्यूब फर्स्ट को, देखना है टिल्ट करके, हॉप टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से आप उसे पकड़ें और टिल्ट करके देखें कि क्लॉट हुआ है नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो इमिडिएटली उसे तुरंत रखें, फिर उसके बाद आप 30 सेकंड के बाद सेकंड टेस्ट ट्यूब को देखें कि क्लॉट हुआ है कि नहीं। आप फिर उसके बाद ये प्रक्रिया दोहराएं, फिर फर्स्ट को देखें, जैसे ही आपको मिल जाए आप स्टॉप वॉच को तुरंत ही बंद करें और आप देखें कि हाँ ये हो चुका है, आप टाइम को नोट डाउन कर लें। नॉर्मल रेंज जो होगा वो 15 से 12 मिनट, 10 मिनट, कहीं लैब टू लैब वेरी होते रहता है, तो अलग अलग आपको 2-3 मिनट का अंतर दिख सकता है। अगर ये नॉर्मल है, आप इसके बीच में है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग रहा है तो आप उसे बोले कि वो एक अच्छे
फिजिशियन से मिलकर दिखाए और फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो डॉक्टर पर निर्भर करता है। टेस्ट आपको करना है सिर्फ इतना ही, बिल्कुल आसान सा टेस्ट है। हमें देखना है कि क्लोट कितने देर में हो रहा है, 37 डिग्री टेम्परेचर पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो बिल्कुल ये आसान सा मेथड था, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आप इस फिगर को अपने नोटबुक में बनाएं, अपने प्रैक्टिकल में बनाएं, ताकि ये प्रक्रिया आपको याद रहे। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। अब दो बार वीडियो देखे, तीन बार वीडियो देखे समझ में नहीं आ रहा है, आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। रटने वाला कोई सिस्टम नहीं, यहाँ पर रटे नहीं, और देखकर समझे ज़्यादा आसान होगा। प्रैक्टिकल करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये चीज़ें आसान होती जाएंगी आपके लिए। थैंक यू एवरीवन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नए हो तो सब्सक्राइब करें, नीचे ईमेल और नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।